गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में मैं डॉक्टर वी एन पांडे बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत करता हूँ। बच्चों, द्वितीय प्रश्न पत्र फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यविधि फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्रिया की कार्य की। रिप्रोडक्शन या प्रजनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी ही संतति उत्पन्न करता है। प्रजनन की क्रिया लैंगिक विधि से भी हो सकती है और अलैंगिक विधि से हो सकती है। जो लोअर ग्रुप्स हैं जीवों के, जंतुओं के, वहाँ अलैंगिक जनन प्रायः पाया जाता है, जैसे प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा आदि में। जो विकसित जंतु हैं या हायर ग्रुप्स हैं, वहाँ लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ही होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल इंडिविजुअल भाग लेते हैं, गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम, फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। आज हम चर्चा करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। नर जनन तंत्र में टेस्टिस पाए जाते हैं, एपिडिडाइमिस होता है, सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं तथा मैथुन अंग पेनिस पाया जाता है। यहाँ ये डायग्राम है जिसमें ये स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। यहाँ देखेंगे ये टेस्टिस है, टेस्टिस से वास डिफरेंस ऊपर जा रहा है और ये फिर से यहाँ देखेंगे कि प्रोस्टेट के बीच से होता हुआ अंत में इजेकुलेटरी ड्रक्ट के द्वारा ये यूरेथ्रा में पहुँच रहा है। यूरेथ्रा में ही आप देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर भी खुला हुआ है। तो इस तरह से यूरेथ्रा कॉमन डक्ट है जो स्पर्म और यूरिन दोनों को कैरी करती है। यहाँ आप देखेंगे सेमाइनल वेसाइकिल भी इसी वास डिफरेंस से ही जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। टेस्टिस जोड़ेदार रचनाएं हैं, स्क्रोटल सैक्स में, मैमेलिया में, स्क्रोटल सैक्स में पाई जाती हैं और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं। इसके बारे में हम पहले एंडोक्राइन वाले लेक्चर्स में भी चर्चा कर चुके हैं, आप वहाँ भी देख लेंगे। टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस एक झिल्ली के द्वारा ढका हुआ होता है, इस झिल्ली को ट्यूनिका एल्बुजीनिया कहते हैं। टेस्टिस में लगभग 250 लोब्यूल्स होते हैं, पालियाँ होती हैं और प्रत्येक पाली में लगभग 3 सेमिनिफेरस नलिकाएँ होती हैं। ये सेमिनिफेरस नलिकाएँ अत्यंत कुंडलित होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं। ट्यूबुल्स के बाहर वाले स्थान में इंटरस्टीशियल सेल्स या लेडी कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ये लेडी कोशिकाएँ या इंटरस्टीशियल सेल्स की कोशिकाएँ ये टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन बनाती हैं जो मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथीलियम और सर्टोरी कोशिकाओं से बनी हुई होती है।
जर्मिनल एपिथीलियम की कोशिकाएं स्पर्म का निर्माण करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाती हैं और साथ ही साथ स्पर्म का नरिशमेंट और मेंटेनेंस करती हैं। एक टेस्टिस की सभी सेमिनिफेरस नलिकाएं इकट्ठा होकर के एक नलिकाओं का जाल बना लेती हैं। इस नलिकाओं के जाल को रेटे टेस्टिस कहते हैं। रेटे टेस्टिस से लगभग 12 नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को वासा इफरेंसिया या इफरेंट डक्ट कहते हैं। सेमिनिफेरस में ट्यूबुल्स, सेमिनिफेरस नलिकाओं में बना हुआ स्पर्म इन्हीं नलिकाओं से होकर कैरी किया जाता है। ये सभी वास इफरेंस यूनाइट हो जाती हैं और एक अत्यंत कुंडलित स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस के 3 भाग होते हैं। सबसे आगे का भाग जिसको कैपट एपिडिडाइमिस या हेड पार्ट कहते हैं, बीच वाला भाग कॉर्पस एपिडिडाइमिस या बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस कहलाता है और पीछे वाला भाग कॉडा एपिडिडाइमिस अर्थात टेल ऑफ एपिडिडाइमिस कहलाता है। एपिडिडाइमिस स्पर्म के मार्ग का निर्माण भी करता है, साथ ही साथ सीमेन का निर्माण भी करता है और एपिडिडाइमिस में स्पर्म का परिपक्वन या मैच्योरेशन की क्रिया संपन्न होती है। एपिडिडाइमिस वास डेफरेंस नाम की नलिका में खुलता है। वास डेफरेंस नाम की ये नलिका एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचती है और इग्यूनल कैनाल से होती हुई एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचती है और वहीं पर सेमाइनल वेसाइकिल से आने वाली एक नलिका भी इसी वास डेफरेंस में जुड़ जाती है। और अब ये वास डेफरेंस की जो नलिका है जिसमें वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसाइकिल की नलिकाएं जुड़ी हुई हैं, इसको इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये इजेकुलेटरी डक्ट आगे जा कर के यूरेथ्रा में खुलती है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली नलिका है। तो इस तरह से कॉमन नलिका जो कि सीमेन और यूरिन दोनों को कैरी करेगी वो यूरेथ्रा है और ये पेनिस से होते हुए शरीर के बाहर खुलता है। जो सेमाइनल वेसाइकिल हैं वो जोड़ेदार रचनाएं हैं, छोटे छोटे पाउच जैसी रचनाएं हैं। ये एक द्रव का निर्माण करती हैं और वो द्रव स्पर्म के पोषण का काम करता है। वास्तव में यहाँ स्पर्म का स्टोरेज किया जा सकता है। इसी यूरेथ्रा के पास में ही प्रोस्टेट ग्रंथियाँ ग्रंथि पाई जाती है और ये प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है। इसी तरह से प्रोस्टेट के नीचे ही बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ या काउपर्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ये म्यूकस का स्राव करती हैं। जर्मिनल एपिथीलियम जो कि सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाया जा रहा है वहीं पर माइटोटिक विभाजन के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है। प्रारंभिक विभाजन माइटोटिक विभाजन होते हैं और उसके बाद मियोसिस होती है। मियोसिस से स्पर्मेटिड बन जाता है और स्पर्मेटिड का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका रूप बदला जाता है तो स्पर्मियोजेनेसिस नाम की प्रक्रिया के द्वारा वो स्पर्म का निर्माण कर देता है। स्पर्म के निर्माण में 6 सप्ताह से 10 सप्ताह तक का समय लग सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि प्यूबर्टी के समय, किशोरावस्था के समय प्रारंभ होती है और पूरे वयस्क जीवन में ये स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। यहाँ एक स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि सबसे आगे की तरफ इसमें क्रोसोम है, उसके पीछे न्यूक्लियस है, उसके पीछे वाला भाग मिडिल पीस दिखाई दे रहा है।
जहाँ बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं, और इसके सबसे पीछे वाला भाग टेल कहलाता है, पुच्छ का भाग कहलाता है। तो बच्चों, ये हमने डिस्कस किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगले लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। कोई प्रश्न हो तो कृपया अवश्य पूछें।